आज की सुबह आप लोगों के बारे में पता नहीं, लेकिन कोई तो है जो बहुत खुश है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहता है कि प्रभु में हमें सदा और सर्वदा आनंदित रहना है और मग्न रहना है। हालेलुया। काफी बार हम काफी सारी परिस्थितियों से गुजरते हैं, काफी सारे चीजों से गुजरते हैं, जो चीजें हमारे जीवन में निराशा, तनाव और बहुत सारी ऐसी परिस्थिति लेकर आती है जहां पर हम मुस्कुराना भी भूल जाते हैं, जहां पर हम हंसना भूल जाते हैं। ऐसे सारी बातें हमारे जीवन में आ जाती है जहां पर हम परमेश्वर की भलाई को देख नहीं पाते। हालांकि परमेश्वर की भलाई हर समय हमारे जीवन में रहती है, लेकिन हम परमेश्वर की भलाई को देख नहीं पाते हैं जब हम समस्याओं से गुजरते हैं। ऐसे ही कुछ लोग थे जो अपने अपनी समस्याओं से गुजर रहे थे, अपने अपनी पीड़ाओं से गुजर रहे थे, और उन पीड़ाओं के बीच में, उन समस्याओं के बीच में, उन हालातों के बीच में वे परमेश्वर की भलाई को देख नहीं पा रहे थे। काफी बार हम अपने मंजिल की ओर देखते रहते हैं, हम अपने दर्शन की ओर देखते रहते हैं, हम अपने मुकाम की ओर देखते रहते हैं, और जो परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई करते हैं उन भलाइयों पर से हमारा ध्यान हट जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ना, छोटी छोटी बातें ही हमारे जीवन में हमें बड़े मकसद तक पहुंचाती या बड़े कामों तक पहुंचाती। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में समझता नहीं है, या परमेश्वर की छोटी छोटी भलाई को नजरअंदाज करता है, या परमेश्वर की छोटी छोटी भलाई नहीं देख पाता है, वो परमेश्वर के परिपूर्ण को भलाई अनुभव नहीं कर पाता है। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके बारे में मैं आज जिक्र करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किस प्रकार उनके जीवन पर अनुग्रह करता था, और उनके कपड़ों के द्वारा, उनके जूतों के जरिए परमेश्वर उनके साथ है ये पता चलता है। लेकिन वे लोग हमेशा अपने बाहरी चीजों को देखते हुए, बाहरी हालातों को देखते हुए वे हमेशा कुड़कुड़ करते थे, वे हमेशा परेशान रहते हैं, वे हमेशा संघर्ष उठाते हैं, वे हमेशा एक दूसरे के विरोध में बात करते हैं, वे हमेशा परमेश्वर के खिलाफ में बात करते हैं, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में बात करते हैं, और उसी के वजह से वे बहुत सारी अच्छी बातों से चूक जाते हैं। बाइबल कहता है व्यवस्था विवरण अध्याय 29, व्यवस्था विवरण अध्याय 29, Deuteronomy चैप्टर 29, व्यवस्था विवरण अध्याय 29, और बाइबल कहता है वचन 5 में ऐसे लिखा है, मैं तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और ना तेरे जूतिये तेरे पैरों में पुराने हुए। बाइबल कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं 40 साल तक तुम्हें लिए हुए फिरा हूं, और तुम्हारे बदन में के कपड़े जो है वो पुराने नहीं हुए, और तुम जो जूता पहनते हो वो भी पुराने नहीं हुए, और वो फटे नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह और क्या देखना है। ये इम्पॉसिबल बात है। अगर आप इन चीजों को अनुभव करना चाहते हो, दो दिन कपड़ा पहनकर तीसरे दिन उसे, उसका खुशबू लेने का प्रयास करो, ओ, आपका हालत खराब हो जाएगा। और यहां पर 40 साल तक ये लोग कपड़े पहने, और इनका, इनके कपड़ों से बू नहीं आ रहा था, इनके कपड़े पुराने नहीं हुए, इनके कपड़े फटे नहीं। जो बच्चा 5 साल का था, जो जूता उसने पहना था, वो बच्चा 45 साल का होने के बाद वो जूता पुराना नहीं हुआ, वो फटा नहीं, वो बढ़ते चले गए। जैसे जैसे उसका पांव बढ़ते चले गया, वैसे वैसे वो जूता बढ़ते चले गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग सच में बहुत धन्य लोग थे। परमेश्वर के अद्भुत काम को वास्तविक तौर पर आंखों आंख देखने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया मालूम है क्या, जो जो बातें परमेश्वर इनके जीवन में करते चले जा रहे थे उन पर उन्होंने ध्यान नहीं लगाया, लेकिन वो कुछ अलग ही दुनिया में जी रहे थे।
वो अपने अनुसार चमत्कार को देखना चाहते थे, वे अपने परिस्थिति को बदलता हुआ देखना चाहते थे। काफी बार हम भी हमारे जीवन में ऐसी कुछ करते हैं और उसी के वजह से जो रास्ता बहुत कम समय का है, वो रास्ता अनुभव करने के लिए या उस रास्ते पर चलने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें सालों साल लग जाते हैं। जो भी परमेश्वर आपके जीवन में छोटी छोटी बातें करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, उस बातों को देखते हुए, उस बातों को स्मरण करते हुए, उस बातों के लिए अपना धन्यवादित हृदय परमेश्वर के सामने हमें प्रकट करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बहुत भला है, वो बहुत कृपालु है, वो बहुत दयालु है और हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में परमेश्वर प्रतिदिन कुछ अच्छाई ना करता हो। ऐसा कोई भी नहीं, वो अपनी भलाई हम हर एक पर करता है, वो अपनी अच्छाई हम हर एक लोगों पर करता है। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है क्या, हमने कुछ चीजों को अपने आंखों के सामने रखा है और उसको हम देखना चाहते हैं, बाकी हर एक चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं, बाकी हर चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं। ये लोग परमेश्वर के प्रति धन्यवादित नहीं थे, ये कहते हुए कि परमेश्वर सच में आप कितने अनुग्रहकारी हो, अगर हमारे कपड़े फट जाते तो यहां पर ऐसा कोई सामान नहीं है, या हमें नए तौर पर मशीन बनाना पड़ता, या नए तौर पर कुछ इंतजाम करता, या नए तौर पर कुछ लोगों को हमें नियुक्त करना पड़ता केवल कपड़े बनाने के लिए। लेकिन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कपड़ों को पुराने होने नहीं देते हो। ऐसा हुआ एक दिन कुछ साल पहले, मुझे लगता है ये 1800 सदी की बात है, 18 सेंचुरी की बात है। एक बहुत अच्छी सेविका थी, वो बहुत अच्छे तौर पर वो मिनिस्ट्री करती, वो सेवकाई करती। एक दिन ऐसा हुआ क्रिसमस के सीजन में, उनका एक छोटा लड़का उनके पास आया और उनके छोटे लड़के ने कहा कि मम्मी, जो गिफ्ट मुझे दिया गया, जो शूज गिफ्ट के तौर पर मुझे दिया गया, वो मुझे छोटा हो रहा है, अब मुझे बड़े जूते चाहिए, अब मैं क्या करूं। तो उस सेविका ने अपने लड़के से कहा, बेटा एक चीज तुम कर सकते हो, अब मैं तुम्हें नया जूता तो खरीद कर नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों का जो जूता था वो बढ़ाया था। तो तुम प्रार्थना करो कि परमेश्वर, जब दोबारा ये जूता मैं पहनूं तो ये जूता बढ़ जाना चाहिए। और जब उसने, उस लड़के ने उस वचन में से सुना, उसका विश्वास उभर गया और उसने अपना जूता अपने हाथ में लिया और कहा कि परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इज़राइल लोगों का जूता जैसे आपने बढ़ाया था, वैसे मेरा भी जूता बढ़ जाए। और उसने जूता लिया, जब उसने पहना तो जूता उसको फिट आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बहुत ही सुंदर तौर पर वो उसका विश्वास बढ़ने लगा और वो आगे जाकर उसने बहुत बड़ी तौर पर उसने सेवकाई। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, जो बातें आपके लिए असंभव है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चीज आप कर सकते हो, परमेश्वर आपको मौका देता है वो चीज करने के लिए, और जब आप नहीं कर पाते हो तो परमेश्वर कहते हैं मैं इन चीजों को करूंगा। अगर आप अपने लाल समंदर से गुजर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की लाठी काफी है उस लाल समंदर को दो टुकड़ा करने के लिए, परमेश्वर को आने की जरूरत नहीं। बाइबल कहता है, भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि उसके नथनों के सुवास से समंदर दो टुकड़ा हो गया, उसको वहां पर आने की भी जरूरत नहीं थी। वो इतना विशाल, वो इतना महान परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अगर आप अपने जीवन के हादसों से गुजर रहे हो, उन हादसों के बीच में भी आप परमेश्वर के भलाई को देखने का प्रयास करो। हम काफी बार इन चीजों को नहीं देखते, हम काफी बार, हमारे पास बड़े बड़े सपने होते हैं और हम इतने उस सपनों में प्रवेश कर जाते हैं या इतना उस सपनों में डूब जाते हैं कि परमेश्वर की भलाई के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है और हम बस हर रोज नाराज रहते हैं। हम कहते हैं कब ये चीज मेरे जीवन में होगा, कब वो चीज मेरे जीवन में होगा। इज़राइल लोग कुछ ऐसे ही कर रहे थे, वे परमेश्वर की भलाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन वो हमेशा कुड़कुड़ करते। वो कभी कहते हैं कि पानी मीठा है, कभी कहते हैं कि पानी खारा है, कभी कहते हैं कि पानी कड़वा है, कभी कहते हैं कि हमें इस प्रकार का ही खाना क्यों मिल रहा है, हमें मिठाई खाने के लिए क्यों मिल रहा है, हम बस कुछ मांस मछली खाना चाहते हैं, हम यही खाने के लिए क्यों मिल रहा है हमें, हम जमीन के नीचे के जो चीज है
लहसुन हम खाना चाहते हैं, हम कांदा खाना चाहते हैं, इस प्रकार का उनका वार्तालाप था। जब आप बाइबल की कुछ किताबों को पढ़ोगे, आप सच में ऐसे लोगों पर हंसने लगोगे कि परमेश्वर इतना अनुग्रह इनके जीवन पर कर रहा है, लेकिन देखो किस प्रकार के ये लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से 100 साल बाद अगर यीशु आने के लिए अगर देरी करते हैं, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन लोगों को सुसमाचार सुनाना चालू करो, क्योंकि यीशु बहुत जल्दी आ रहे हैं। उनको सुसमाचार सुनाना चालू करो। क्यों मालूम है? क्योंकि ऐसा समय है कि कहां कब किसका मौत हो रहा है हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। आप जब टीवी को ऑन करोगे या आप जब पता लगाओगे अपने रिश्तेदारों को या जो आपके दोस्त है, आपको पता चलेगा ये व्यक्ति गुजर गया, और आपके मन में ऐसा आया, अरे यार हम इससे बात करते थे, हम इससे मुलाकात करते थे, हम इसके साथ में काम करते थे, लेकिन इसको हमने सुसमाचार क्यों नहीं सुनाया। सो बाद में पश्चाताप कर बाद में पछतावा कर कोई फायदा नहीं है। इस ये समय परमेश्वर ने दिया है जहां पर जितने भी आपके कॉन्टैक्ट के लोग हैं, जितने भी फोन नंबर्स आपने सेव किया है, आप चेक करें और देखिए क्या आपने उसको सुसमाचार सुनाया। वो भले स्वीकार करे या नहीं करे, लेकिन आपको उन लोगों को सुसमाचार सुनाना है, आपको योजना करना है, आपको प्लान करना है, और आपको सुसमाचार सुनाना है। सुसमाचार ये नहीं कि आप संडे को चर्च में आ जाओ हमारे साथ, ये सुसमाचार नहीं है। ये एक अच्छा काम हम कह सकते हैं, लेकिन सुसमाचार नहीं। सुसमाचार क्या है? 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आए, वो क्रूस पर मारे गए, वो गाड़े गए, वो पुनरुत्थित हो गए, अब वो स्वर्ग में है और दोबारा आपको लेने के लिए वो आने वाले हैं। अब विश्वास करो अपने हृदय से और मुंह से अंगीकार करो कि यीशु ही प्रभु है, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये सुसमाचार है, आपको सुसमाचार सुनाना है, आपको सुसमाचार सुनाना है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके कॉन्टैक्ट के जो लोग हैं, आपके रिश्तेदार जो है, आपके मित्र जो है, उनको सुसमाचार सुनाओ। साथ ही साथ दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो यह है कि अगर आप कोई ऐसी आदतों से बंधे हुए हो जिस आदतों को पब्लिकली आप नहीं कर सकते हो, उन आदतों से बाहर आओ, उन आदतों से बाहर आओ। परमेश्वर आपको मदद करेंगे। परमेश्वर के पास अपने मदद के पुकार को लगाओ कि परमेश्वर मैं इन चीजों से बाहर निकलना चाहता हूं, मुझे आप मदद करिए। वो जरूर आपको मदद करेंगे। आप बस प्रार्थना करें और देखिए किस प्रकार परमेश्वर आपको उन आदतों से बाहर निकालेंगे, और उसके बाद वो चीज कईयों के लिए गवाही का कारण ठहरेगी। हालेलुया। So, मैं आपको बता रहा था कि आज से 100 साल बाद अगर यीशु आने के लिए देरी करते हैं, तो 100 साल के जो बाद वाले लोग हैं, मालूम है हमारी तरफ देखकर वो ऐसे कहेंगे कि देखो परमेश्वर इनके जीवन में कितने सारे अच्छी और भली बातें कर रहे थे। आज से 100 साल बाद हो सकता है अभी के सिचुएशन को देखकर कि लोग नॉर्मल तौर पर जीवन नहीं बिता सकते। आज से 100 साल बाद लोग नॉर्मल तौर पर जैसे हम जीवन बिता रहे थे, वैसे जीवन नहीं वो बिता सकते। उनको हर एक सेकंड का पैसा गिनना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा क्योंकि सिचुएशन बहुत बेकार है। पॉपुलेशन उस टाइम शायद बहुत कम हो जाएगा, लोग पॉपुलेशन कम करने का देखेंगे, बहुत सारी चीजें होने वाली कुछ समय के बाद अगर यीशु नहीं आते हैं तो। So, मैं आपको बताना चाहता हूं वो 100 साल बाद वाले लोग क्या कहेंगे मालूम है, कि परमेश्वर सच में 100 साल पहले ये लोगों के ऊपर इतना सारा अनुग्रह कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे इतिहास को लिख रहा है। जैसे कि हम इज़राइल लोगों के इतिहास को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वो किस प्रकार 40 साल से भी अधिक जंगल में घूम रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे और हमेशा विरोध वाली बातें कर रहे थे। वे परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, परमेश्वर के कार्यों के प्रति धन्यवादित नहीं थे। जिस प्रकार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसी प्रकार वे लोग भी यहाँ पर बात करेंगे। और कुछ लोग होंगे जो परमेश्वर पर विश्वास कर उनकी बातों को सुनकर समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप किस प्रकार के लोग बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। काफी बार हम जिन हादसों से गुजरते हैं, हमारा मन, हालांकि हमारा सिचुएशन चेंज हो जाता है, लेकिन हमारा मन उसी प्रकार का पुराना रहता है। तो आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहो, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। वे लोग 40 साल उनके कपड़े फटे नहीं, उनके जूते पुराने नहीं हुए,
उनके कपड़ों के द्वारा और उनके जूतों के द्वारा हमें पता चलता है कि सच में परमेश्वर उनके साथ में है, सच में परमेश्वर उनके साथ में है। हमें कैसे पता चलता है कि परमेश्वर हमारे साथ में है? हम अगर जिंदा है इससे पता चलता है कि परमेश्वर हमारे साथ में है। काफी सारे चीजें होकर गए, आपको याद है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन काफी सारे चीजें जब हम हमारा जब जनरेशन था, हमारा जब जनरेशन शुरू है, मैं आपको बताना चाहता हूं काफी सारे चीजें होकर गए, लेकिन हम अभी भी बैठे हुए हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आपको मालूम है ऐसे ऐसे बीमारियां आकर गई है जो हमारे सामने आई, और शायद कुछ चीजों से हम प्रभावित भी हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने वहां से हमें बाहर निकाला। शेयर बाजार कुछ समय पहले क्रैश हो गया था, काफी सारे लोगों ने आत्महत्या कर लिया था, लेकिन परमेश्वर ने बचा कर रखा। कई सारे बीमारी H1N1 बीमारी आकर गई, इबोला आकर गया, कई सारे वायरसेस आकर गए, चिकनगुनिया आकर गया, काफी सारे जब ये न्यूज फैला कि चिकनगुनिया आ गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ काफी सारे लोग निराश हो गए, क्योंकि लोगों ने कहा कि आपके कमर का नीचे का जो पार्ट है वो काम करना बंद कर देता है, लकवा मार देता है, वगैरह 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 दुनिया भर की चीजें आई, और कुछ लोग इससे बाधित भी हो गए, लेकिन परमेश्वर ने वापस वहां से उन्होंने बाहर निकाला। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो कि परमेश्वर सच में अनुग्रहकारी है, हमारा हृदय उसके प्रति धन्यवादित रहे। हो सकता है कि आपका व्यवसाय थोड़ा कम हो गया होगा, हो सकता है कि आपका आमदनी थोड़ा कम हो गया होगा, हो सकता है कि आपके नौकरी का जो पगार आपको मिलता था वो थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अगर आपको ठीक ठाक रखा है, अपना हृदय आनंदित रखो कि परमेश्वर धन्यवाद इस नए दिन के लिए, धन्यवाद इस खूबसूरत दिन के लिए। हम इन सारी चीजों को छोड़कर हम परेशान हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि हम जो चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो क्यों पूरा नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपका कोई भी प्रार्थना व्यर्थ कभी नहीं जाता अगर आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हो, तो वो आपके प्रार्थना के बाद एक ऐसा ढांचा तैयार करता है, एक ऐसा चीज तैयार कर रहा है जो काफी प्रभावित है, होने वाला है कईयों के लिए। आप ये मत समझो कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो आप क्यों उन उत्तरों को अनुभव नहीं कर पा रहे, आपकी प्रार्थना इतनी सामर्थ्यशाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मानो आपकी प्रार्थना एक माचिस के तीली के समान है, एक माचिस के तीली के समान। आपने प्रार्थना किया और एक माचिस की तीली समझो जमा हो गई, आपने दूसरी बार प्रार्थना की और एक माचिस की तीली जमा हो गई, और ऐसे करते करते सोचिए आप काफी समय से प्रार्थना कर रहे हैं और काफी सारी जो माचिस की तीली है वो जमा हो गई है। और मैं आपको कहना चाहता हूं ना, अगर काफी सारी माचिस की तीली जमा हो गई है, अब वो माचिस की तीली नहीं रही, लेकिन एक बॉम्ब के समान एक चीज बन गई है, क्योंकि वो बारूद आपने इकट्ठा कर लिया, और जब वो स्पोर्ट होगा तो काफी सारा बदलाव होगा। सो आपकी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा रही है। ये मत सोचकर प्रार्थना करना बंद कर दो कि शायद मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है तो मैं क्यों प्रार्थना करूं। काफी लोग आकर आपको बताएंगे कि यार आप तो चर्च जाते हो, आप कलीसिया जाते हो, फिर भी ये परिवर्तन नहीं है, फिर भी ये बदलाव नहीं है, हम देखो कितने अच्छे तौर पर रह रहे हैं। वही लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास जब आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा, वे लोग आपके पास प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास आशा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास सच्चा परमेश्वर नहीं है। आपके पास सच्चा परमेश्वर है, विश्वास करो, धीरज रखो और देखो परमेश्वर किस प्रकार आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर वचन लिखा है, भजन संहिता 105, भजन संहिता 105 उसका वचन 37, साम्स 105 वर्स 37 उसमें लिखा है, तब वे इसराइलियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाए और उनमें से कोई भी निर्बल न था। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र में से सोना चांदी दिलाकर उनको बाहर निकाला और उनमें से कोई भी निर्बल न था। कितने लोगों ने 10 कमांडमेंट्स पिक्चर देखा है? 10 कमांडमेंट्स, मुझे वो पिक्चर बहुत पसंद है,
हालांकि कुछ चीजें उसमें ठीक ठाक नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ चीजें बहुत पसंद है, खास करके वो चीज जब वो समंदर दुभाग हो जाता है। और अगर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस पिक्चर में ऐसे बताया गया है कि समंदर दो भाग हो जाता है, दो टुकड़ा हो जाता है, और इसराइली लोग जो है उस समंदर के बीच से गुजरते हैं, और उसके बाद एक आखिरी व्यक्ति बच जाता है, एक बूढ़ा व्यक्ति जो लड़खड़ाकर लाठी लेकर चलता है, और पीछे से फिरौन की जो सेना है उनका रथ उनका घोड़ा उस व्यक्ति का पीछा करता है, और मूसा क्या करता है, मूसा दौड़ कर आता है, उस व्यक्ति को लेता है और उस व्यक्ति को इस किनारे लेकर आता है। अगर आप ये सिनारियो भूल गए हो तो अपने घर पर जाना और देखना 10 कमांडमेंट्स का जो लाल समुद्र दुभाग जाता है वो सिनारियो। मैं आपको बताना चाहता हूं जिस व्यक्ति ने वो पिक्चर बनाया वो ये वचन को भूल गया कि उनमें से एक भी व्यक्ति कमजोर नहीं था, किसी के पास भी लाठी उसलिए नहीं थी कि उनको अपने पांव में चलने का बल नहीं था, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था। बाइबल कहता है उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था, कोई भी निर्बल नहीं था। और यह बहुत आश्चर्यचकित की बात है, परमेश्वर 25 से 30 लाख लोगों की अगुवाई कर रहे हैं और हर एक लोगों पर उनका नजर है, हर एक लोगों को वो देख रहे हैं, हर एक लोगों के बारे में वो जानते हैं। परमेश्वर पूरे भीड़ को एक साथ में नहीं देखते हैं, लेकिन इंडिविजुअली एक एक व्यक्ति को वो देखते हैं। हम जब यहां पर इकट्ठे हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हर एक के हृदय को जानता है, हर एक की परिस्थिति को जानता है, वो पूरे भीड़ में हमें एक साथ नहीं देखता है, वो देखता है हम हर एक लोगों को व्यक्तिगत तौर पर। अपने पड़ोस वाले से कहो कि परमेश्वर आपको व्यक्तिगत तौर पर जानता है, उनसे कहो कि वो आपकी जरूरतों को भी जानता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह इंसान होने के नाते उनको मालूम है कि इंसानों को कौन सी चीज की जरूरत है, क्योंकि वो भी कभी इंसान थे। वो जानते हैं कि इंसानों को भूख लगता है, वो जानते हैं कि इंसान दर्द से गुजरते हैं क्योंकि उन्हें बहुत दर्द हुआ था, वो जानते हैं कि इंसान चोट खाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत एक बार चोट खाए, उन्होंने आत्मिक तौर पर चोट खाए और उन्होंने शारीरिक तौर पर चोट खाए, लोगों को छोड़कर जाने का चोट उनको पता है और लोग किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं वो भी उनको पता है, उनको पता है कि लोग कैसे साथ में रहते हैं और धोखा देते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। इंसान होने के नाते उन्हें पता है कि नींद कैसे आती है, इंसान होने के नाते उनको पता है कि भूख कैसे लगती है, इंसान होने के नाते उन्हें सब कुछ पता है, और परमेश्वर होने के नाते उनको यह भी पता है कि वो चीजों को पूरा भी कैसे किया जाता है। इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका उद्धारकर्ता आपके साथ में है और उनको पता है कि कब क्या कैसे देना है। आप बस विश्वास रखें।